तो गाइस यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे मैंने अपने फेसबुक मैसेंजर को ओपन किया तो मेरे में यहाँ फिंगरप्रिंट मांग रहा है। अब के लिए मैं अपना फिंगरप्रिंट लगा देता हूँ। यहाँ मैं अपना फिंगरप्रिंट लगा दिया और मेरा मैसेंजर एप्लीकेशन ओपन हो चुका है। अगर गाइस आप भी अपने फेसबुक मैसेंजर में ऐप लॉक लगाना चाहते हो तो कैसे लगा सकते हो गाइस, अपने मैसेंजर को कैसे लॉक कर सकते हो गाइस, जिससे क्या है आप कोई मैसेंजर एप्लीकेशन ओपन ना कर पाए आपके सिवा, आप कोई चैट वैट पढ़ ना पाए। अब ये फीचर आपके मैसेंजर एप्लीकेशन में ही आ चुका है गाइस ऐप लॉक करने का। गाइस सबसे पहले आपको इसके लिए अपना फेसबुक मैसेंजर एप्लीकेशन ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे कॉर्नर साइड में 3 लाइन है, आपको इस पर क्लिक करना। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ऊपर में सेटिंग का आइकन है, इस पर क्लिक करना। इस पर क्लिक करने के बाद आपको नीचे आना। नीचे आने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन नजर आएगा, प्राइवेसी एंड सेफ्टी का ऑप्शन, आपको इस पर क्लिक करना। अब यहाँ पे आपको एक ऑप्शन नजर आएगा ऐप लॉक का ऑप्शन, आपको इस पर क्लिक करना। इस पर क्लिक करने के बाद गाइस आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर गाइस देखते हैं, मैं अपने फेसबुक मैसेंजर में लॉक लगाया हूँ। यहाँ पर देखते हैं मेरा यहाँ पे इनेबल है। अगर गाइस आपका इनेबल नहीं होगा तो आपको इसको ऑन करना है। ऑन करने के बाद आपको अपना फिंगरप्रिंट लगा देना है, उसके बाद ये वाले पर आपको सिलेक्ट कर देना है, जिससे क्या है कि आपका जो मैसेंजर एप्लीकेशन है वो आपका लॉक हो जाएगा। जब भी आप अपना फेसबुक मैसेंजर ओपन करेंगे तो आपको फिंगरप्रिंट लगाएंगे, तब आपका मैसेंजर एप्लीकेशन ओपन होगा गाइस।